हेलो ब्यूटीफुल पीपल, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा, नॉर्थ साइप्रस एंड साउथ साइप्रस में क्या डिफरेंस है। ये ऐसा डिफरेंस है कि मेजोरिटी को पता ही नहीं, साइप्रस आने से पहले उनको पता ही नहीं कि साउथ साइप्रस और नॉर्थ साइप्रस में क्या फ़र्क है। तो मैंने सोचा इस वीडियो पे, इस टॉपिक पे वीडियो बनी जाए, इस चीज़ के बारे में आप सबको अवेयर किया जाए कि साउथ साइप्रस और नॉर्थ साइप्रस में डिफरेंस क्या है। सो गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। इससे हमें थोड़ा हम मोटिवेट हो जाते हैं। इससे जो है ना, थोड़ा सी एनर्जी आ जाती है वीडियो और बनाने में, क्योंकि जब देखते हैं इतने लाइक्स आ गए, इतने कमेंट्स आ गए, इतनी सब्सक्राइबर्स हो गए, वीडियो को लोग शेयर कर रहे हैं, तो इससे क्या है ना, हम मोटिवेट हो जाते हैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं आपके लिए। तो ऐसी छोटी सी सपोर्ट के लिए आप ये चीज़ें करते हैं। सो गाइस, नॉर्थ, अभी वीडियो को शुरू करते हैं। जो नॉर्थ साइप्रस है वो दूसरा देश के देश है, और जो साउथ साइप्रस है वो दूसरा देश है। मैं अभी आपको बताता हूँ वो कैसे। ये जो है साइप्रस जो है एक बेसिकली एक आइलैंड है। 1973 में ये दोनों एक साथ हुआ करते थे। फिर यहाँ पे ब्रिटिश लोगों की हुकूमत थी, तो फिर यहाँ पे तुर्किश आर्मी आ गई, एक साइड से ग्रीक आर्मी आ गई, तो इसके से ये दोनों जो है ना सेपरेट कंट्री हो गए। तो है ये एक ही एरिया, ये एक आइलैंड है बीच के अंदर, समुंदर के अंदर अंदर एक छोटा सा आइलैंड है, जिसमें 35% जो है वो जाता है नॉर्थ रिपब्लिक ऑफ तुर्किश साइप्रस, और जो 65 जाता है वो आता है रिपब्लिक ऑफ साइप्रस। अब जो रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है वो है साउथ साइप्रस, उसको बोलते हैं साउथ साइप्रस, यूरोपियन साइप्रस, वो है ईयू कंट्री का साइप्रस, यूरोपियन यूनियन में आता है। अब जो तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ साइप्रस है वो आता है तुर्की में, एशिया में। एशिया आपको, तुर्की आपको पता है एशिया में, और नॉर्थ जो हिस्सा है वो एक ही समुंदर का हिस्सा, मतलब एक ही आइलैंड, आधा उसका जाता है एशिया की तरफ, आधा उसका जाता है यूरोप की तरफ। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो इसलिए जो नॉर्थ का हिस्सा है वो जाता है तुर्किश के अंदर, क्योंकि तुर्किश लोगों ने उस पर अपनी आर्मी से जो इतना उस उन्होंने अपने हाथ में ले सके, और जितना 65% ग्रीक लोगों, सिप्रियट लोग जो थे उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। अभी जो नॉर्थ साइप्रस है वहाँ पे चलता है लीरा, और तुर्किश करेंसी है जो, और जो साउथ साइप्रस है उधर, यहाँ पे चलता है यूरो। और मैं हूँ साउथ साइप्रस में। तो अभी जो नॉर्थ साइप्रस है वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी है वो है यूरोज़ में, और जो हाउस की फ़ीस है, ये सबसे पहला डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, जो यूनिवर्सिटी की फ़ी है वो यूरो में, जो हाउस की रेंट है वो पाउंड्स में, स्टर्लिंग में, ब्रिटिश पाउंड्स में उसमें है, और आपकी अर्निंग जो है वो लीरा में। तो इसमें से जो है ना, आप जो कमाते हो वो फिनिश हो जाता है वो इस हिसाब से। अगर आप स्टूडेंट पे आते हो वहाँ पे भी आप वर्क वीज़ा पे आ सकते हो, लेकिन जब आप वहाँ पे स्टूडेंट आते हो तो आपकी जब अर्निंग ही मतलब लीरा में है, फिर आप उसको लीरा को कन्वर्ट करवा रहे हो यूरोस में, आप टैक्स पे कर रहे हो, और जब आई घर रेंट रेंट बारी और आपको रेंट देनी है, तो फिर आप जो है ना उसको पाउंड्स में कन्वर्ट करवा रहे हो अपने लीरास को, तो इस हिसाब से आपकी फिर से टैक्स लग गई। तो ये सिस्टम है वहाँ पे। अगर वो साउथ साइप्रस में जस्ट यूरो चलता है, पहले यहाँ पे 2012 में आई थिंक यहाँ पे सिप्रियट पाउंड था, जिसकी वैल्यू सेम लाइक ब्रिटिश पाउंड जितनी थी, लेकिन और पाउंड इसलिए क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश लोग हुकूमत करते थे, तो ये ब्रिटिश लोग पैसों को पाउंड बोलते हैं जैसे हम रुपीज़ बोलते हैं, तो इसलिए इनके पास सिप्रियट पाउंड हुआ करता था, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो अभी यहाँ पे चलता है यूरो, जो पूरी यूरोपियन कंट्रीज़ में चलता है, जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नॉर्वे, डेनमार्क, यूरो चलता है। यहाँ पे भी वही करेंसी यूरो चलती है। और आते हैं दूसरे डिफरेंस पे। जब आप साउथ साइप्रस एज ए स्टूडेंट आते हो, आप नॉर्थ साइप्रस 15 दिन जाके रह सकते हो, और क्योंकि ये इनका लॉ है जो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच दरमियान है। ये क्या चीज़ उठ रही है, चली गई। तो जो नॉर्थ साइप्रस में स्टूडेंट लोग आते हैं वो साउथ साइप्रस विजिट पे नहीं आ सकते, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जब कोई नॉर्थ साइप्रस स्टूडेंट आता है और उसको पता नहीं होता कि यार साउथ साइप्रस और नॉर्थ साइप्रस जो है ना डिफरेंट देश है, तो वो समझते हैं कि यार जैसे इंडिया पाकिस्तान का एक हिस्सा नॉर्थ है, एक हिस्सा साउथ है, देश तो एक ही है ना, इंडिया या पाकिस्तान। लेकिन साइप्रस ऐसा नहीं है, नॉर्थ तुर्किश रिपब्लिक साइप्रस है, साउथ रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है।
और ये बहुत बड़ा है कि यार जब आप स्टूडेंट साउथ साइप्रस में आते हो तो आप नॉर्थ साइप्रस विजिट करने के लिए जा सकते हो। 15 दिन आप वहाँ पे कंटिन्यूसली रह सकते हो। और ये था दूसरा डिफरेंस। अब जो सबसे बड़ा तीसरा डिफरेंस है वो ये कि आप जब नॉर्थ साइप्रस आते हो एज अ स्टूडेंट, आप दूसरी यूरोपियन कंट्रीज जाने के लिए आपको वीज़ा लेनी पड़ेगी। लेकिन जब आप साउथ साइप्रस आते हो एज ए स्टूडेंट, आप अगर जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन जाना चाहते हो तो आपको कॉलेज से हॉलीडेज लेटर लेना है, अपने बैंक स्टेटमेंट निकालनी है, एक फ्लाइट टिकट लेनी है और आपके अकोमोडेशन के लिए रिजर्वेशन चाहिए, ये चीज़ें चाहिए और सीधे आप बगैर वीज़ा के इन कंट्रीज़ विजिट कर सकते हो, क्योंकि ये ईयू कंट्री का लॉ है। अगर आपके पास किसी भी ईयू कंट्री की रेजिडेंट परमिट है, चाहे वो टेम्परेरी चाहे वो परमानेंट, आप दूसरे ईयू कंट्री विजिट पे जा सकते हो विदाउट वीज़ा। यू डोंट नीड एनी वीज़ा टू ट्रेवल एनी यूरोपियन कंट्री। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है जब आप साउथ साइप्रस आते हो एज ए स्टूडेंट। तो ये था तीसरा डिफरेंस। अभी आते हैं चौथे डिफरेंस पे। अब ये जो चौथा डिफरेंस ये है कि तुर्किश रिपब्लिक ऑफ साइप्रस जो है, वहाँ पे लोगों को इंग्लिश नहीं आती। वहाँ पे आपको जॉब करने के लिए आपको तुर्किश सीखनी पड़ती है। आप तुर्किश के बगैर आपको जॉब बिल्कुल नहीं मिलेगी। और वहाँ पे मोस्टली जो है ना, लोग इंग्लिश बात ही नहीं करते। अगर किसी को आती भी है तो बहुत कम लोग बात करते हैं। तो और जो साउथ साइप्रस है, यहाँ पे मैं इनकी सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है, जैसे हमारी सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है। तो यहाँ पे भी मेजॉरिटी को इंग्लिश आती है और हमसे ज़्यादा अच्छी इंग्लिश इनको आती है। तो यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल नहीं है साउथ साइप्रस में। आपको इंग्लिश हर एक बच्चे बच्चे को आती है इंग्लिश। यहाँ पे ऐसा फील होता है कि यार इंग्लिश इनकी नेशनल लैंग्वेज है। तो यहाँ पे जो है ना, इंग्लिश बहुत चलती है। यहाँ पे आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा, आपको जॉब फाइंड करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको इंग्लिश आती है तो बेहतर है कि आप इंग्लिश अपने मुल्क से सीख के आए, अपने देश से सीख के आए, तो फिर यहाँ पे आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। यह था चौथा डिफरेंस। और आते हैं अभी पाँचवें डिफरेंस पे। जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि जो नॉर्थ रिपब्लिक है, तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ साइप्रस है, वो है 35%। वहाँ पे इतनी इंडस्ट्रीज नहीं है, वहाँ पे इतना काम नहीं है, वहाँ पे अर्निंग जो है ना आपकी 300 यूरो, 400 यूरो होगी। तो ये जो, क्योंकि वहाँ पे इतनी इंडस्ट्रीज नहीं है, वहाँ पे इतना काम नहीं है, वहाँ पे जो जो प्रोडक्शन हाउस है वो भी नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो तुर्की से आते हैं। तो इस वजह से वहाँ पे इतनी जॉब्स नहीं है। मोस्टली जो जॉब्स हैं वो हैं रेस्टोरेंट्स में या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर्स हैं वहाँ पे। अभी आते हैं साउथ साइप्रस। साउथ साइप्रस जो है ना, वहाँ पे वो बड़ा है, यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स हैं। आपकी अर्निंग जो है ना मिनिमम 700 यूरो होगी, मतलब हाफ डिफरेंस है। नॉर्थ साइप्रस में आपकी 400 होगी तो साउथ साइप्रस में आपकी 700-800 यूरो अर्निंग होगी। तो अर्निंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और यहाँ का लाइफ स्टाइल जो है साउथ साइप्रस जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड है नॉर्थ साइप्रस से। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है नॉर्थ साइप्रस में, सक्सेस रेट बहुत कम है। और जो अर्निंग है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है नॉर्थ साइप्रस के हिसाब से। खर्चा लगभग एक ही हो जाता है लेकिन अर्निंग ज़्यादा है साउथ साइप्रस में, और ये चीज़ बहुत मैटर करती है। और जो सबसे ज़्यादा मसला है ना वो ज़ुबान का है। अगर ज़ुबान वहाँ पे जो है ना, तुर्किश बोलते हैं, इंग्लिश किसी को आती नहीं, तो बहुत सारा टाइम वेस्ट इसी में हो जाता है या ज़ुबान सीखने में। तो ज़ुबान सीखना कोई बुरी चीज़ नहीं है, आपके अंदर एक स्किल पैदा हो जाती है जब आपको ज़ुबान आती है, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है ज़ुबान सीखने में। तो ये जो 5 डिफरेंस थे मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। और मेरे चैनल को यार भाई लोगों, अब मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो। और बाकी जो आपके सवाल हैं आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि अगर आपका सवाल इंटरेस्टिंग लगा तो उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा, नहीं तो उसका मैं कमेंट पे आपको जवाब दे दूंगा। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में। और मैंने अभी एक दूसरी वीडियोस भी दो बनाई हैं, तो वो भी चेक करें। स्टे होम, स्टे सेफ, पीस।